गाइस वेलकम टू माय चैनल सुहानाज लाइफस्टाइल और मैं हूं सुहाना। तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूं और क्या बनाती हूं, रेसिपी सब चीज ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो होपफुली आप मुझे पसंद करेंगे और सब चीजों को बहुत सारा प्यार देंगे जैसे आप सबको करते हैं। ओके तो देखते हैं मेरे किचन में क्या बन रहा है भाई मीठे में। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज को। मैंने बाल बांध लिए हैं, मैंने सोचा एक्चुअली किचन में ना मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ बालों की वजह से, कि मुझे बन जैसा कुछ बांधना जरूरी ही हो जाता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन कर रखी है और क्या क्या तैयारी कर रखी है, तो देखते हैं। आइए, ये राइस है, ये मैंने 1 कप राइस सोक करके रखे हैं, अराउंड 1 आवर हो गया। और ये राइस है गैलेक्सी सेलर डबल चाबी, ये देखिए। वैसे तो आप किसी भी राइस से बना सकते हैं, कोई भी अच्छी ले सकते हैं, जैसे बासमती है कोई भी ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन मुझे ये वाला पर्सनली अच्छा लगता है। इसलिए ये है कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स, ये आपके अकॉर्डिंगली कि आपको कितना रखना है और कितना करना है ये आपके अकॉर्डिंगली ही है। 1 कप खोया, 1/2 कप शुगर, ये ऑप्शनल है आपके अकॉर्डिंगली कि आपको कितना डालना है। मेरा 1/2 कप में हो जाता है क्योंकि हम लोग कम मीठा खाते हैं और नॉइज आ रहा है, केटल में पानी गर्म हो रहा है। ये है 2 टेबलस्पून ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के कोई भी ऑयल ले सकते हैं। फूड कलर ऑरेंज फूड कलर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 2-3 क्लोव लौंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बॉईल पे रखते हैं और बॉईल कितना करना है वो मैं आपको अभी बताती हूं। ये मैंने पॉट में, आप ना कोशिश कीजिएगा कि अगर आप राइस को लें ना तो थोड़ा सा ना ऐसे पॉट में लें जो थोड़ा बड़ा हो और ये ना फ्री ओपनली मतलब अच्छे से खुले में पक जाए। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और मैं कोशिश करती हूँ कि ना हॉट वाटर डालूं ऐसी चीजों में, ताकि थोड़ा सा ना आपका कुकिंग प्रोसेस जो है थोड़ा फास्ट हो जाए और हमारी गैस भी कम लगेगी। तो इसको हमें ना बॉयल जो करना है वो 80% करना है। ये सॉल्ट, ये एक्चुअली ना टेस्ट के लिए नहीं है सॉल्ट, ये सॉल्ट आपकी बैलेंस, आपके टेस्ट बैलेंस जो है ना वो एनहेंस करने के लिए है। फूड कलर, ये फूड कलर था 1 टीस्पून, इतना ही इनफ होता है। तो हम इसको 80% कुक करना है, हमें इसको 20% बाद में करना है। तो हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो गाइस ये 50% जैसे कुक हो गए हैं, लेकिन हमें थोड़ा 80% चाहिए। इसे 10 मिनट्स हो गए हैं ऑलरेडी बॉयल होते हुए, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सो गाइस ये देखिए, ये इस टाइप के होने चाहिए, ये 80% कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे, इसका सारा पानी निकाल लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। इसको मैंने एक ना स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है, इसका सारा पानी जो एक्सेस वाटर है वो सब निकल जाए। ये हो गया आपका, ये 2 टेबलस्पून ऑयल है, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कितना भी ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। इसमें हम डालेंगे लौंग, लौंग कंपल्सरी है, अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जैसे जर्दे में आता है।
लॉन्ग कंपल्सरी है, अगर आप इसको मिस कर देंगे तो क्लोव की जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो इसके अंदर नहीं आ पाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो हम इसमें लेयरिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये जो राइस है एक तो मीडियम, आपको बिल्कुल मीडियम कर देनी है गैस। ये राइस है इसको आपको हाफ डालना है, हाफ आपको ऐसे फैलाना है, फिर आपको ये शुगर डालना है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं राइस लूँ, वन कप राइस होगा तो हाफ मेरा शुगर होता है। फिर ये सेकंड लेयरिंग है इसके ऊपर। फिर ड्राई फ्रूट्स की लेयरिंग, ये भी आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कितना लेना है। मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं पर्सनली, इसलिए मैं ज्यादा ले रही हूं। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। ये है हमारा खोया, ये होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं आपको खुद दूंगी आने वाली वीडियोस में, मैं आपको खोए की रेसिपीज देने वाली हूँ। ये मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रोक कर लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, लुक एट दिस। ये जितना प्यारा है ना उतना ही ये टेस्ट में लगेगा। मस्ट ट्राई रेसिपी। इसको हम ऐसे कवर करके पूरा रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए मेरे जर्दे की रेसिपी। सो गाइस चेक करते हैं कि हमारा जर्दे को कितना टाइम लगेगा। 10 मिनट्स हो चुका है इसमें कुक करते हुए। इसको ऐसे स्टर कर देंगे, 10-15 मिनट से ज्यादा इसको नहीं रखेंगे। बाकी आपकी राइस क्वालिटी पे पता चलता है कि हमारा जर्दे में कितना टाइम लगेगा। अगर आपके राइस, आपको पता होगा कि आपके राइस की क्वालिटी क्या है। देखिए बिल्कुल आपके राइस गल चुके हैं, तो थोड़ा सा हम इसको हाई फ्लेम में कुक कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा इसके अंदर शुगर सिरप है तो आप इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे कर लेंगे। सो आपका जर्दा रेडी है, लुक एट दिस। गरम गरम जर्दा। गाइस तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप मेरे से और कौन कौन सी रेसिपीज को चाहते हैं कि मैं आपको अपनी रेसिपीज दिखाऊं, या आप मेरे से क्या रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि मैं आपको क्या दिखाऊं अपनी लाइफ के बारे में। सो बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने से प्यार कीजिए और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कीजिए। सो बाय।